सूफीज़म साइट के ऊपर सो हाउ इज़ दैट कनेक्टेड विद द घोड़ा सो बेसिकली जब मैं आई थी लंडन से वापस इज़ आई वॉज ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन मैं थोड़ा सा अपनी रिसर्च में भी थी और पढ़ने पढ़ाने में कि इस्लाम अक्सर क्या है और थोड़ा सा जन्नत और दोजक से निकल के इस्लाम जो आपकी टीचिंग्स हैं आपकी एज़ अ आपको इंसान बनाने के लिए इंसानियत सिखाने के लिए आपका अल्लाह से इश्क बढ़ाने के लिए if I, if, मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो सूफ़ीज़म था वो ये था कि आप अपने खुदा से किन किन चीज़ों पे आप एक लिंक बना सकते हैं एक इश्क बना सकते हैं हाउ यू कैन सी हिम इन द लाइट ऑफ एक दोस्त की नज़र में एक गाइड की नज़र में वो अल्लाह तारा अप्रोचेबल लगता है ठीक है मीनिंगफुल था तो वो फिर मैं अपनी रिसर्च करी थी और उसमें ज़िक्र नमाज क़ुरान ये चीज़ें तो चल ही रही होती थी पर वो जो एक असर के वक्त मैंने हॉर्स राइड की अपने बेटे को लेके गई पर उन्होंने घोड़ा दिया तो मैंने की और वो असर का वक्त था और घोड़े के ऊपर तस्वीर थी और वो और मेरी अच्छा मज़े की बात ये थी कि दरुद की तस्वीर पे घोड़े की तबीयत बिल्कुल मुख्तलिफ थी और जब खुदा की तस्वीर थी और उसके जलाल की तस्वीर थी तो घोड़े की तबीयत बिल्कुल अलग थी आई स्टार्टड नोटिसिंग दी सटल डिफ्रेंस अभी भी मैं जब मेले में जाती हूँ तो बस घोड़े के ऊपर चढ़ते ही मेरा अब एक सोट sort ऑफ़ of वो एक सिग्नल हो जाता है कि दिस इज़ अ गुड टाइम कि आप आपकर कर लें क्योंकि घोड़ा जो है वो बड़ा एक रहमत वाला जानवर है हदीस भी है कि उसकी आ, आपके जो फोरलॉक्स हैं उस घोड़े के आपकी जो पेशानी है उसमें रहमत है ये बड़ा एक लॉयल जानवर रह चुका है हमारे नबियों का शौक़ रह चुका हुआ है तो इसके ऊपर वैसे ही बड़ी रहमत वाला जानवर है फिर अगर आप उसको उस इज़्ज़त से अप्रोच करो तो वो आपका एक जो बॉन्ड है दूसरा मेरे मैं इसलिए कहती हूँ ना जी अच्छा उस्ताद ढूँढे माय टीचर जो है वो इज़ अ लर्नेड मैन उन्होंने मुझे सिखाया था कि आप घोड़े की तबीयत को समझें तो इट्स अ हर्ड एनिमल और उसका कई छः से सात फुट मैग्नीट्यूड है yeah. तो अगर आप एक वाइल्ड जंगलात में घोड़ों को देखें तो वो छः फुट दूर घोड़ा अगर कोई फेयर सेंस करता है तो दूसरे घोड़े को उधर देखने की भी ज़रूरत नहीं hmm. थी। उसके मैग्नीट्यूड ने वो पकड़ लिया होता है द हर्ड रन टूवर्ड सेल्फ तो आप तो दो इंच hmm. भी ऊपर नहीं है आप तो घोड़े से जुड़े हुए हैं तो आपकी जो मैग्नीट्यूड है आपका फेयर है एंग्जाइटी है कॉन्फिडेंस है वो घोड़ा पकड़ रहा है

ऑपोजिट होना पड़ता है उसमें आपको एक बड़ा गिविंग बड़ा अंडरस्टैंडिंग थोड़ी उसकी बात सुनते हो थोड़ी अपनी बात सुनते हो फिर आपको उसको ना उसकी ड्यू रिस्पेक्ट उसकी उसकी नेचर उसकी communication, और घोड़ा बहुत बातें करता है कानों से बातें करता है बॉडी लैंग्वेज से बात करेगा हर चीज़ लाइक टेल विल गिव यू अ सेंस कि मैं तंग पड़ा रहा हूँ या मैं ठीक हूँ या मैं तैयार हूँ मुझे uh, एक चीज़ जो मैंने हमेशा की है वो जब मैं घोड़े के पास जाती हूँ तो मैं अपना हाथ उसको देती हूँ और जब मुझे सूंघ लेता है तो मुझे उसको होता है कि अब तसली तो है कि एम नॉट कमिंग टू हार्म आई मीन नो हार्म वो बट घोड़ा बड़ा रिलैक्स हो जाता है और मैं, मैं आज तक घोड़े ने मुझे कभी इस तरह नहीं गिराया लेकिन मैं कहूँ ना एक दो दफ़ा जब मैं जंप्स कर रही थी वो आई रिमेम्बर सीज़न स्टार्ट था घोड़े रेस्ट पे होते हैं तीन तीन महीने उनका फिर दिल नहीं रहता mm. काम करने का सीज़न का स्टार्ट था और हमारी हाई जम्प का इवेंट आ रहा था तो उन्होंने कहा नहीं जी मैम प्रैक्टिस ज़रूरी है मैंने कहा ठीक है तो वो जो मेरा सबसे तगड़ा घोड़ा था ना वो जैसे ही जंप चढ़ता था तो वो पैर उठाता था जंप के लिए लेकिन ही वुड बक मी ऑफ ऑन द साइड नहीं करना हमने hmm. काम वो दैट्स आई आई फेल फेल दैट्स द ट्वाइस इन दैट ट्रेनिंग लेकिन जनरल हॉर्स राइड में आई नेवर फॉलन और आई नेवर फेल्ट जहाँ आप घोड़ा थोड़ा सा आपको करता है वहाँ यू कंट्रोल द हॉर्स लेकिन हमारी मैंटालिटी ये होती है और अक्सर आप ये मेलों में देखते हैं कि वो अल्फा मोड कंटिन्यू रहता है yeah. Yeah. और उसमें फिर वो जुल्म की तरफ आ जाते हैं ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि Uh, हम जो है घोड़े को स्टार्ट रेन से देते हैं उसके उसका माउथ आप इज़ दैट्स यू स्टेयरिंग आप उसको थोड़ी रेन देते हैं बॉडी लैंग्वेज थोड़ी आगे करते हैं वो घोड़ा आपको समझ जाता है वहाँ यहाँ पे एड़ियाँ एड़िया लगा रहे हैं विप्स लगा रहे हैं डंडे लगा रहे हैं मतलब वो एक फिर अल्फा मोड जाता ही नहीं है जब घोड़ा कॉपोरेट पौर, कर रहा है तो फिर हाँ, तो दैट इज व्हाई मैं मैं वही वन वन ऑफ़ द रीजन एकेडमी शुरू करने की वजह ही ये थी कि इस नॉलेज को अब आम किया जाए मुझे क्यों इतना अरसा लगा एक उस्ताद ढूंढने में और अनफॉर्चुनेटली uh, Uh, जो मेरे ये तो मेरे बड़े ही पढ़े लिखे ही कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली इज इज़ एक्चुअली इज ग्रेट ग्रैंड फादर उनके नाम पे पोलो ग्राउंड है पेशावर में जनरल जान सही सो इज़ फ्राम अ वेरी लर्नड फैमिली सो ही गेम मी हिज टू सेंस ऑन द स्पॉट दूसरे जो मेरे उस्ताद है जीवन झमट साहब वो तो ही uh, चौंतीस साल मेरे ख्याल से गवर्नमेंट टीचर रह है चुके हैं और अब वो राइडिंग स्कूल चलाते हैं उन्होंने जो मुझे कहा कि उन्होंने कहा जी एक बंदे ने मुझे ट्रेनिंग के लिए बंदा भेजा मैंने उसको सिखा के वापस तो मुझे कंप्लेंट आई कि जी जीवन साहब ये आपने क्या किया है ये तो आपने हमारी वैल्यू खत्म कर दिया इसको आप सब पता है तो वो जो एक मैंटेलिटी हमारी ये भी है कि उस्ताद की उस्तादी खत्म हो जाएगी अगर सब कुछ बता दिया उसको। तो वो आई डोंट बिलीव इन वो उनकी बड़े मजे की बातें होती हैं और मैं अक्सर मेले से पहले जी चारपाइयाँ लगती हैं घोड़ों के पास और वहाँ यू इस जहाँ आपको विजडम मिलता है इनके साथ जब आप बैठते हो या तो कोई घोड़ा हरकत कर रहा होता है तो आपको वही समझा देते हैं हम देख रहे हो बच्चे ये क्या कह रहा है दूसरा इस तरह की कोई आपको बात पता चलेगी उसमें उन्होंने कहा था कि बड़े या में हमारे बड़ी टैलेंट थी सिवाए बाकी तो चले जो मर्जी आपका म्यूज़िक ले लें आपका आर्टिस्ट ले लें आपके वॉरियर्स ले लें इवन घुड़सवारी में बड़ा टैलेंट था हमारी जो भी वजूहत थी फितरत थी या कोई वजूहत थी हम लोग ने कभी ये चीज़ें पास ऑन नहीं की हमने एक, एक किस्म की कंजूसी तक दिखाई गोरे ने सरदर्द की भी दवाई बनाई तो पूरी दुनिया में आम की अभी भी वो यही काम करता है मेरी सारी जितनी ऑनलाइन फॉलोइंग्स हैं जॉन साहब मुल्क को ठा लें गोरों का वो उन्होंने यहाँ पे माइक लगाया होता है ग्राउंड में घुसे होते हैं पूरी दुनिया को लाइव ब्रॉडकास्ट रहे होते हैं कि घोड़े को समझो घोड़े का ये तरीका हम हमें थोड़ी सी इस चीज़ में वो निकलना चाहिए हमारे हाथ से तो मैं मेरे उस्तादों का बहुत इम्पैक्ट है इस मेरे ऊपर इस मामले में और ये अकेडमी इज़ जस्ट माय वे ऑफ सेइंग कि जी जितना नॉलेज आम कर सकें मेरे ख्याल से उतना ये बढ़ेगा उतनी वो एप्रीहेंशन ख़त्म होगी उतना वो कि हम काबिल हैं या नहीं है आए आके ट्राई करें घोड़े को समझे जिसकी कनेक्शन बन गया वो इस खेल को और आगे लेके जाएगा